वंदे मातरम भारत माता की जय। जिंदगी जब शुरू हुई जब जाएगी आखिरी दम तक निकलेगा, फिर शक्ति क्या है उसमें ताकत क्या है। यह संतों महात्माओं की धरती, यह उन बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके कारण आज पूरी हमारी भारत माता मजबूत है। कहीं व्यापार है, कहीं राष्ट्रभक्ति है, कहीं सामने पाकिस्तान, इधर कश्मीर उधर पंजाब, रोड गोलियां चलती हैं, पर जय जय गर्मी गुजरात। एक ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत, ये लोगों की दुआएं, ये लोगों का प्यार, गरीबों की सेवा, मजलूमों की रक्षा, मातृभूमि भगवान भी अपने साथ होता है। ये सामने पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि जय जय गर्वी गुजरात की तरफ कहीं पूरी निगाह से देख ले। ये शक्ति और ताकत ये पूरी सामने नजर आती है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाली जी, श्री शक्ति सिंह जी और मेरे बड़े भाई महेश जी, बापू जी, रमेश जी, राजू जी और लखानी परिवार, पूरे देश में जाने का मौका मिलता है, कार्यक्रम होते हैं पर उसमें दिखावे ज्यादा होते हैं, उसमें फोटो पॉलिटिक्स, मीडिया पॉलिटिक्स होती है, पर जो गुजरात के अंदर ऐसे कार्यक्रम, ऐसे समागम पूरे राष्ट्र के किसी कोने में नहीं होते। मैं बाहर के लोगों को हर जगह पे कहता हूं, दिखावे मत करो, झूठ के तरफ मत चलो, कुछ सीखना है तो इस गुजरात की धरती से सीखो, व्यापार भी सीखो, एजुकेशन भी सीखो, लोगों का सम्मान भी सीखो और नौजवान मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हैं, मौत का कफन बांध करके सीने पे गोलियां खाते हैं, उनके परिवारों के भी अभी रक्षा के लिए कभी बात होती है, सबसे पहले गुजरात जैसा गर्वी गुजरात उन परिवारों के लिए सदा सदा के लिए खड़ा होता है। ये हमारे हिंदुस्तान का गुजरात है। सब लोगों ने, मंत्री साहबान ने अलग अलग विचार अपने रखे, पर उन विचारों के साथ साथ जो कहीं दिखाई नहीं देता है, हर तरफ राजनीति दिखाई देती है, वंदे मातरम भारत माता की जय को कोई भूला नहीं है। शुरुआत हो जो आखिर में हो, वंदे मातरम भारत माता की जय। और जो हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं भूलेंगे, यह खून से सजा हुआ भारत है, इस मातृभूमि पे रहना है, तो वंदे मातरम दिल से बोलना होगा। मुझे कोई सवाल पूछता है तेरा धर्म क्या है, मैं उसको एक ही बात कहता हूं, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। और आखिरी समय बंगो गोलियों से बचे हुए शरीर के हिस्से में प्रार्थना हमेशा यही करता हूं, हे भगवान कभी इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए दोबारा मौत आए इतना वक्त दे देना, अंदर से यही निकले मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम। और उनको कहना चाहता हूं जो वंदे मातरम भारत माता का अपमान करते हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि भारत मां वंदे मातरम खून से बना है। इस नारे का इस हिंदुस्तान के अंदर अपमान करने की कोशिश ना करें। आज हमारा दुश्मन पाकिस्तान सामने रोज कश्मीर के अंदर गोलियां चलाता है, हमारे जवानों को जख्मी करता है और गुजरात उनको संभालता है। आज हमें एक होना है, प्रथम राष्ट्र उसके लिए हमें एक होना है, राष्ट्र को कमजोर नहीं होने देना है। आज के दिन मैं चवानी परिवार को, लखानी परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया करता हूं और उनका यह संदेश
उनका खून पसीने से सजाया हुआ ये काम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में लेके जाऊंगा। क्योंकि सीखना है तो इस गुजरात की धरती से जहां से सीखे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। और आखिरी फिर वादा करके जाता हूँ, ये बचे हुए बोनस के बम्बों के शरीर से उन आतंकवादियों को ललकाते हुए फिर कहना चाहता हूँ, चांद चिरागों ने सजा रखी है, चंद लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। वंदे मातरम, जय हिंद।